हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, क्या आप वीवो के फ़ोन में फोटो या वीडियो को हाइड करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वीवो के फ़ोन में किस तरीके से किसी भी फोटो या वीडियो को हाइड करना रहे, यानी कि प्राइवेट करना रहे, तो उसे आप कैसे करोगे? तो फिर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप फोटो या वीडियो हाइड करना रहे या प्राइवेट करना रहे तो किस तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने फाइल ऐप को ओपन कर लेना है, और फाइल ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहीं पर आपको इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कैटेगरीज में यहीं पर इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहां से जिस भी फोटो को हाइड करना है, यानी कि प्राइवेट करना है, मान लीजिए दोस्तों ये फोटो मुझे हाइड करना है, तो इसके सिंपली इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और मान लीजिए इसी के साथ साथ ये वाला भी फोटो हाइड करना है। तो दोस्तों, इतना करने के बाद, आपको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है कि थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है मूव टू सेफ मोड फोल्डर, इसी पर आपको क्लिक कर देना है, मूव टू सेफ फोल्डर वाले ऑप्शन पर। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप अपना पासवर्ड किस प्रकार का रखना चाहते हैं, पिन पासवर्ड रखना चाहते हैं या पैटर्न पासवर्ड रखना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, यानी कि सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं पैटर्न टाइप के रखना चाहता हूँ, तो पैटर्न पर क्लिक कर लिया। उसके बाद दोस्तों, मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, इस तरीके से मैं रखना चाहता हूँ, जैसा कि इस तरीके से नहीं हो रहा तो इस तरीके से, जैसा कि पांच यहाँ पर आप देख सकते हो, कनेक्ट एट लास्ट पांच डॉट्स को यहाँ पर कनेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर से आपको वही ड्रॉ करना है जिस तरीके से आपने पहली बार ड्रॉ किया था, उसी तरह से आपको फिर से ड्रॉ करना है, और फिर से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको गो इट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। गो इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हो कि वो दोनों फोटो हाइड हो चुका है, और हाइड होकर दोस्तों मेरे प्राइवेट फाइल में सेव हो गया है। तो इसे देखने के लिए किस तरीके से हम देख सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेव फोल्डर का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, वो जो आपने पैटर्न ड्रॉ किया है यहाँ पर, वही पैटर्न ड्रॉ आपको यहाँ पर कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, आपका फोटो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि वही फोटो यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप वीवो के किसी भी फ़ोन में फोटो और वीडियो को हाइड कर सकते हो इस तरीके से। अगर आप प्राइवेट करना चाहो वीडियोस को, तो दोस्तों आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन मान लीजिए दोस्तों ये वीडियो हाइड करना है, तो इस पर इस तरीके से लॉन्ग प्रेस करके रखना है। उसके बाद दोस्तों, आपको थ्री डॉट पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको मूव टू सेव फोल्डर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, उसी तरीके से आपको ये सेम प्रोसेस बना लेना है। उसके बाद दोस्तों, ये वीडियो भी हाइड हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं वो वीडियो भी आपको दिखा देता हूँ, फोल्डर में चला गया सेव फोल्डर में, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं अपने पैटर्न को। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि वो वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जा रही है फर्स्ट नंबर पे। तो दोस्तों, ये रही छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी थोड़ा सा भी हेल्पफुल और अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।